मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, मैं एतवार को हमारे नॉलेज में एक चीज़ आई कि जो लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट शेड्यूल्ड कास्ट में इशू हो रहे हैं महाशा कम्युनिटी को, उसमें डोम भी आ रहा है साथ में ऑनलाइन पोर्टल पे। ये चीज़ हमारे जो सर्टिफिकेट हमने रिसेंटली, क्योंकि सारा आपको मालूम है ऑनलाइन पोर्टल पे चला गया हुआ, रिजर्वेशन एक्ट के तहत ही NIC में या जहाँ से भी हमारा बना पोर्टल वहाँ से ये चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो जैसे ही डी साहब की नॉलेज में ये चीज़ आई है, संडे को आई, मंडे सवेरे से ही ये करेक्शन कर दी गई है। और बच्चा जो भी है बाहर से, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी कम्युनिटी का आदमी है, एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेशन जब अपनी फिल करेगा तो उसके पास क्लियर कट ऑप्शन है वहाँ से, वो डोम को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो वो महाशा कम्युनिटी है जैसे, तो महाशा को ही सिलेक्ट करेगा। हमारी जो कैटेगरी है वो उसी नाम से जो है उसी कैटेगरी में इशू होगी, तो डोम वाला उसमें नहीं आएगा जैसे पहले कुछ सर्टिफिकेट में इशू हुआ। जी, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डूम लिखा जा रहा है, अब लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? नहीं, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, डी साहब ने बड़ी क्विकली इसमें कार्रवाई की और बड़ा स्पीड में इनिशिएटिव हुआ, और इमीडिएटली कल सवेरे से ही मैंने आपको बताया, जैसे पहले भी कल सवेरे से ही सारी करेक्शन हो गई है। अब आगे से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू होगा वो महाशा कम्युनिटी को, महाशा ही में ही अंडर महाशा कैटेगरी इशू होगा वो। मेरी अपील है, जैसे कुछ प्रदर्शन भी हुआ यहाँ पर, मेरे पास भी लोग आए ऑफिस में, तो नो डाउट वो हायर ऑफिस में भी गए यहाँ पर। पहले मैं उनसे क्षमा मांगूंगा यहाँ से कि अगर इससे कम्युनिटी को जो है वो ठेस पहुँची है किसी भी किस्म की, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी इसमें फ्यूचर में जैसे वो कंसर्न था उनका, वो कंसर्न एड्रेस हो चुका है, मुझे लगता है इसमें आप कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट इशू होंगे जैसा मैंने आपको बताया, वो सिंगल उसी पे इशू होंगे, महाशा को ही इशू होंगे। थैंक यू सर।